Hi students, I am Vivek Pandey. I teach physics and I have done BTech from IIT Guwahati. I have been teaching physics since past many years in the topmost institutes of India, and I really enjoy teaching physics. Physics is a subject of fascination. Physics is a subject of logic. Physics is a subject of understanding. वैसे तो सारे subject ही ऐसे होते हैं, but I think physics is the most interesting subject, which my personal views. And yeah, we are talking right now about the medical students. Medical students की सबसे बड़ा जो सिरदर्द है वो physics है, मुझे पता है. पता नहीं क्या problem है इन लोग को, but उनका सिरदर्द physics है. But actually में इसका reason ये है, because they tend to mug up the physics. The only problem of medical students is the wrong approach towards physics. फिजिक्स को आप रट करके सॉल्व नहीं कर सकते. फिजिक्स कैन बी ओनली अंडरस्टूड, देन ओनली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक एंड द मोस्ट बेसिक क्रिस्प एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एंड दे विल सॉल्व सम प्रॉब्लम यूजिंग दोज कॉन्सेप्ट एंड दैट विल बी ओवर. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. सो फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ मेडिकल एग्जामिनेशन में, जनरली CPMT में देर आर टोटल 180 क्वेश्चंस आर कमिंग इन फिजिक्स, बायो में 90 एंड केमिस्ट्री में 45 एंड फिजिक्स में 45. देयर आर 180 क्वेश्चंस. टाइम इज 3 आवर्स. नाउ जनरली जो बच्चे हैं बायो के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें उनको जस्ट टिक करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज जस्ट नॉलेज बेस्ड. जनरली दे कैन सॉल्व ऑल दोज 90 क्वेश्चंस विद इन 1 आवर. तो आपका 3 घंटे में से 1 घंटा तो बायो में चला गया, बट आपके 90% क्वेश्चन भी हो गए. अब बचे 2 घंटे. 2 घंटे में केमिस्ट्री का पेपर भी आपसे कम से कम नहीं तो एटलीस्ट इट विल टेक 45 टू 50 मिनट्स. कितना ही आसान पेपर हो, बट उसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट इट विल ऑल्सो टेक योर टाइम ऑफ अराउंड 45 टू 55 मिनट्स. अब बचा फिजिक्स. फिजिक्स के लिए यू हैव टू डिवोट मिनिमम ऑफ 1 आवर, क्योंकि फिजिक्स में यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, यू हैव टू डू सम कैलकुलेशन, देर विल बी सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, एंड देर विल बी कैलकुलेशन, यू हैव टू रीड, यू हैव टू अंडरस्टैंड. फिजिक्स टेक्स टाइम. द क्वेश्चंस विल बी लाइक दैट ओनली, यू कांट जस्ट टिक. देर विल बी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विच यू कैन डायरेक्टली टिक इफ यू नो द फॉर्मूला, बट देर विल बी ऑल्सो सम क्वेश्चंस विच विल टेक 2 मिनट्स और 1.5 मिनट्स. तो आई अज्यूम दैट माई एम इज टू मेक यू एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट 85 to 90% of questions in 1 minute of time. 1 minute is very less, my dear friends. अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार में तो पढ़ने में आपका 10 से 15 सेकंड चला जाता है.